इस वक्त हमारी मौजूदगी है पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ के समीकरण बहुत बड़े हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी बड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है राजनीति भी काफ़ी बड़ी है। नमस्कार, मैं आपके साथ राव शफकत अली। हमारे खास कार्यक्रम मूड ऑफ द नेशन में आज हम चर्चा करेंगे, जनता की राय जानेंगे, नेताओं के दावे परखेंगे पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा इस संसदीय क्षेत्र में। यहाँ क्या कुछ कहती है जनता, किसको पसंद करती है? दो बड़े दिग्गज यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस और बीजेपी का ही खासकर मुकाबला यहाँ माना जा रहा है। और कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो गणेश गोदियाल यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी भी चुनावी मैदान में डटे हैं। यहाँ की जनता की राय क्या है? क्या इन क्षेत्रों में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर यहाँ की जनता किस तरह के नेता को पसंद करती है, किस पार्टी को पसंद करती है? हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे इस रोड पर, इस सफर पर चलते जाएंगे और लोगों से बात भी करते जाएंगे। ये बेहद खूबसूरत है, ये जो संसदीय क्षेत्र है इसको, हालांकि नरेंद्र नगर की साइड में ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये जाता है, लेकिन ये जो संसदीय क्षेत्र है ये पौड़ी में ही पड़ता है। और एक खूबसूरत सा गांव भी यहाँ पर है जो हमें दिखाई दिया, इसलिए हम रुके। ओनी गांव यहाँ पर पड़ता है, तो नीचे की तरफ भी हम चलेंगे। शहरी क्षेत्र का तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखंड में क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, रोजगार मिले हैं या नहीं मिले हैं, यही चर्चा हम चलते चलते अपने इस सफर में लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, आजकल चुनाव का शोर है, चारों तरफ चुनाव की चर्चा है। अगर बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र की, तो ये तो पौड़ी में पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है कौन सी पार्टी पसंद है, कौन सा नेता? पसंद तो सर हमको बीजेपी बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे गांव में विकास बीजेपी सरकार से हुआ है। यहाँ पे G20 भी हुआ है, काफ़ी मतलब सड़कें वड़के भी बनी हैं, काफ़ी विकास हुआ है मतलब हमारे गांव में, स्कूल स्कूल वगैरह का। तो अपना तो जोर ज़्यादा बीजेपी पे ही है, मतलब बीजेपी सरकार मतलब बहुत अच्छा करती भी है, ऐसा नहीं है, अच्छे काम भी है उनके। भाई ये है थोड़ा रोज़गार कम है, हमारे उत्तराखंड में भी इतना रोज़गार है नहीं, उत्तराखंड में भी रोज़गार की कमी है। जो युवा लोग हैं उनके लिए भी सब बाहर हैं, होटल हैं। हम जैसे एक सब दुनिया में हर किसी के ना किसी के लिए कुछ कानून है, कुछ ना कुछ है, होटल लाइन और कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था ये होनी चाहिए सरकार की, होटल लाइन के लिए भी कुछ कानून होने चाहिए, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए होटल लाइन के लड़कों को, जो युवा बाहर हैं, मतलब यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। आप अभी यहाँ काम नहीं करते हैं, नहीं, अभी किसी और स्टेट में काम मैं करते स्टेट हैं? में पंजाब में काम करता हूँ, मुंबई में कर चुका, काफ़ी जगह कर चुके हैं, पर रहते बाहर ही हैं ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपने कहा कि काफ़ी विकास हुआ है, तो क्या रोजगार में कोई विकास नहीं हुआ? युवा क्या करते हैं यहाँ के? यहाँ के युवा यही हैं सर, कोई यही लोकल में काम करते हैं, कोई बाहर होटल लाइन में ही काम करते हैं। मतलब ये है कि युवाओं के लिए मतलब उतना रोजगार है नहीं, बस हमारा गांव का विकास तो बहुत हुआ है। ये क्या मूड बन रहा है इस बार आपका, बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय, कौन अच्छा लग रहा है? अच्छा सर, अब क्या बताएं हम आपको, हमारा तो वही वही है अभी, हम तो बीजेपी में थे अभी, अभी किसी को दे रहे हैं वोट। पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है रोजगार को लेकर के। हमारी जहाँ जहाँ भी जिस जिस क्षेत्र में बात हुई है, लोगों की यही शिकायत रहती कि रोजगार नहीं मिलता है। तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हालांकि धामी सरकार यह प्रयास कर रही है कि किसी भी सूरत हाल में उत्तराखंड में ही रोजगार हो, जो पलायन है उस पलायन को रोका जाए। तो ये आपकी ही शॉप है? जी जी सर। अच्छा, ये पौड़ी संसदीय क्षेत्र। जी जी अच्छा, अभी आपके पास नेता आ रहे हैं, कौन जी। कौन खड़े हैं थोड़ा बताएंगे? यहाँ तो वही है जो बीजेपी का चल रहा है, अनिल बनुली जी। जी, और गणेश गोदियाल जी वो भी हैं कांग्रेस से, टक्कर तो है दोनों की। अच्छा, दोनों की टक्कर? हाँ, है। अच्छा, लेकिन बीजेपी ले सीट ले जाएगी। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अब ये हमारे विधायक जी का क्षेत्र भी है, सुबोध उनियाल जी का। हाँ। उनका काफी, उन्होंने हमारे क्षेत्र में काम कराए हैं। अच्छा, इसलिए बीजेपी ले जाएगी सीट। अच्छा, कुछ और मुद्दे भी यहाँ पर हैं, जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के है और अग्निवीर योजना को लेकर, क्या ये मुद्दे हैं दमदार? इनमें तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तो ये लोकसभा के चुनाव हैं, तो जो अभी विकास हुआ हो रहा है, काफ़ी कुछ हो गई हमारे गांव में, देखो बहुत कुछ हो गया, G20 हो गया, ये सब हमारे सोबत भाई। G20 हुआ था तो वो आपके गांव में हुआ था, आगे ऊपर ऊपर नरेंद्र नगर में हुआ था, उधर बेस्टर्न में ठहरे थे दिन की बैठ, उनकी यहाँ बैठक थी यहाँ पे, सब हमारे मंत्री जी की सोबत। हाँ जी, ऊनी गाँव में सोबत भाई जी का वो नेतृत्व में सब कुछ हुआ। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, कितना कमा लेते हैं दिन का, और कितना फैमिली आपकी जो है, क्या गुजारा हो जाता है? देखो जी, अब लॉकडाउन में जब घर आ गए, पहले दिल्ली रहते थे। अच्छा, दिल्ली थे पहले? दिल्ली काम करते थे जी,
तो छोटे मोटा करते थे उधर ही, अब लॉकडाउन में घर आ गए, कर रहे हैं अपना गुजारा यहाँ पे। जनता की पसंद अलग अलग है, दावे किए जा रहे हैं कि विकास तो हुआ है, और G20 सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें आयोजित हुई थी और जिसमें से एक बैठक नरेंद्र नगर में आयोजित हुई थी, तो लोग खुश हैं यहाँ के कि एक बड़ा आयोजन हुआ था, और G20 के बाद यहाँ की जो तस्वीर है वो भी थोड़ा सा बदली थी। पौड़ी गढ़वाल के संसदीय क्षेत्र में लोगों से राय जानते हुए इस सफर में हम एक और गांव में पहुंचे। ये वही गांव है जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, एक खूबसूरत गांव है जिसमें G20 की बैठक आयोजित की गई थी नरेंद्र नगर में, लेकिन इस गांव में भी एक बैठक रखी गई थी, और ये उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात थी कि उत्तराखंड में 3 G20 की बैठक आयोजित हुई थी, और इन्हीं बैठकों से उत्तराखंड विश्व पटल पर चमक गया था और साथ ही उन इलाकों की किस्मत भी चमक गई थी। चलते हुए कुछ और लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी हमें यहीं पर दिखाई देते हैं, नौजवान भी हमें यहाँ पर मिले थे। आपसे ही जान लेंगे पहले, आपका नाम क्या है? जीत सिंह। जीत सिंह जी, अच्छा अब चुनाव का माहौल है ना, सभी नेता आ रहे होंगे आपके पास अलग अलग दलों के, क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार चाचा? मोदी वाले है? मोदी वाले। अच्छा मोदी वाले हैं आप? हाँ जी। अच्छा क्या अच्छा लगता है पीएम मोदी में आपको? मोदी में उनके गरीबों को दिख रहा है बस। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं। क्या हुआ है गांव में कुछ काम? हाँ, ऐसा राज्य सरकार ने या केंद्र की योजनाएं आई हैं? आई। क्या थी? सब योजना करी, मकान दिए, गौशाले बनाए मोदी ने। क्या लग रहा है आपको इस वक्त, मूड क्या है, क्योंकि जनता के बीच में नेता भी पहुंच रहे हैं, आप भी अपने मनपसंद नेताओं की तरफ से बातचीत कर रहे होंगे? देखा जाए सर तो इस समय जो है हमारे विश्व पटल पे मोदी जी का नाम सबसे चल रहा है, और भारत के जो जनता है इस समय मूड हमको तो ये लग रहा है कि 400 से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार एक बहुत बड़ा परचम लहराएगी। अच्छा आप कह रहे हैं कि 400 के पार जाएगी, तो आपको पता है कि ये नारा कांग्रेस कह रही है तो बेकार का नारा है? हाँ सर, वो तो कांग्रेस बोलेगी सर, पर जनता का मूड या पिछले हमने 10 वर्षों में जो मोदी जी की योजनाएं हैं गरीब तबके के लोग और उत्तराखंड के लिए, तो मोदी जी की बहुत बड़ी सौगातें दी गई है। जैसे हमारे सबसे ज्यादा उत्तराखंड का अगर भाग्य चमकेगा, एक दिन हमारे उत्तराखंड विश्व पटल पे छाएगा पर्यटन की दृष्टि से, हम मोदी जी को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मोदी जी के होने से हमारे भारत में पहली बार G20 का चयन हुआ था। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज तक पहली बार आज़ादी के बाद ये हमें ये सौभाग्य मिला, और मोदी जी के ही कारण हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है। ये जो रोड है बड़ी अच्छी लग रही है इस गांव में, क्या ये रोड पहले भी थी या बाद में बनी है? नहीं, पहले तो एक अच्छी रोड नहीं सर, ये पहले ये रोड नहीं थी इस गांव में, ये साल का जंगल किसी ने यहाँ पे कांग्रेस के टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये माननीय हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, भाजपा सरकार, इन्होंने बहुत प्रयास इस गांव के लिए किया, और सर उन्होंने जो है इसमें G20 भी की है, हमारे गरीब आदमियों के लिए मोदी सरकार ने सिलेंडर दिए हैं, घर घर बाथरूम बनाए हैं, गरीब लोगों को मकान की व्यवस्था भी उन्होंने की है, और हमारे इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, यहाँ पर अभी ट्यूबवेल लगाए हैं जिसके माध्यम से बहुत अच्छे गेहूं भी हो रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर घर घर पानी। रोजगार का क्या जरिया है, खेती वगैरह या कुछ काम आसपास? खेती के लिए कृषि विभाग बीज भी देता है, तो बहुत अच्छी इस गांव में व्यवस्था है। हर सरकार जो है मोदी सरकार ने, मैं ड्राइवर हूँ, बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन जो रोड, कौन सी गाड़ी, प्राइवेट? नहीं, वैसे चलाता हूँ, ट्रक चलाता हूँ, लेकिन मोदी सरकार ने जो रोडें हमारे पहाड़ों में, पहले मैं जब चलता था तो रोडों की बहुत कठिनाई थी, बिल्कुल बैंड नहीं करता था, हॉर्न लगा के गाड़ियाँ गिर जाती थी, अब हमारे पहाड़ों में गाड़ियाँ भी नहीं गिर रही हैं, इतनी खुला खुला रोड हो गई, तो मोदी सरकार की, भाजपा की ये बड़ी कृपा है जो इन्होंने इतना पहाड़ों में रोड, दुर्घटना भी नहीं हो रही है, बहुत अच्छा। हम तो ये चाहते हैं दिल से कि मोदी सरकार को इस बार वोट हम। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले सड़क नहीं थी। जी सर, जी सर। और सड़क तब आई जब यहाँ G20 हुआ। जी सर, जी। तो उससे पहले क्यों सड़क नहीं आई, ऐसा क्या था कि? एक्चुअली क्या था सर, जो हमारा NH से 3 किलोमीटर तो माननीय
मंत्री जी सुबोध उनियाल जी द्वारा की गई थी, उनके अथक प्रयासों से बहुत पहले यहाँ आ चुके। उसके बाद गांव यहाँ तो तीरथ सिंह जी भी यहाँ, तीरथ सिंह रावत जो है वो तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और सांसद भी रहे, क्या उन्होंने भी यहाँ प्रयास किया सर? हमारे एक दो बार ये भारत सरकार में गए, थोड़ा फॉरेस्ट के भी जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना होता है सर। बाकी अब जब माननीय मंत्री जी द्वारा फॉरेस्ट से क्लियर किया गया, ये रोड सर मुख्यमंत्री घोषणा में ओणी से तलाई तो ओणी गांव टच हो गया, थोड़ा फॉरेस्ट का क्लियर होने के लिए भारत सरकार में फाइल गतिमान है। अब जल्दी माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि ओणी तलाई को जोड़ दिया जाएगा और एक गुजराड़ा वाली रोड पे इसका भविष्य। ये जो घर है, मुझे यहाँ दूध का कुछ काम ज्यादा नजर आ रहा है, दूध के कैंस वगैरह रखे जी सर। जी सर, तो ये क्या है सर? वैसे मुख्य लोगों को जो महिलाओं को वायर यहाँ मुख्य, हाँ जी यहाँ सर, हाँ जी मुख्य वो है जो रोजगार है वो दूध का है। गाँव बड़ा सुंदर है आपका, आप सब लोग बहुत अच्छे हो और काम वाम कुछ हो रहा है यहाँ पर? नाम क्या है आपका? गीता। अच्छा गीता जी, क्या काम हो रहा है? सड़कें बनी है, रोजगार है आपके गांव में? रोजगार क्या है, चलने लगे हमारा रोजगार क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा, देखिए रोजगार ही नहीं है यहाँ तो, रोजगार की बड़ी समस्या है सर। रोजगार तो सर बहुत है, देखो अभी यहाँ के जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह है इनको जो है अभी हमारा वो दिया गया है मिल्क कलेक्शन सेंटर बनने का, यहाँ से हमारा 1.5-2 क्विंटल दूध पूरे गाँव का जाता है। ये भी मुख्य आजीविका है महिलाओं की, दूध प्रत्येक घर में पशु हैं, गौशालाएं जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो है हम कम से कम 30-35 यहाँ गौशालाएं बनाई गई है, और जो ग्रुप हैं SHG ग्रुप ये भी भारत सरकार की एक अच्छी है, रिवॉल्विंग फंड भी दिया गया है 75,000 रुपए। शहरी क्षेत्र तो हम दिखाते हैं, शहरी क्षेत्र की सब बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उन ग्रामीण क्षेत्रों की, खासकर अगर पौड़ी लोकसभा की बात करें भौगोलिक दृष्टि से, इसका एक हिस्सा तो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद की साइड से कोटद्वार पर मिलता है, दूसरा हिस्सा बद्रीनाथ की तरफ मिलता है, और ये जो ऋषिकेश के आसपास का इलाका है, नरेंद्रनगर यानी टिहरी के आसपास का इलाका है, तो भौगोलिक दृष्टि से पौड़ी लोकसभा क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसमें बहुत ज्यादा शहरीकरण नहीं है, कुछ अगर शहरों को छोड़ दें, रामनगर की बात करें, दूसरे और शहरों की बात करें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। अभी जैसे वो कह रहे हैं कि रोजगार मतलब अभी बढ़ा है, पहले नहीं था यहाँ पर। रावत जी आप बताइए, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, रोजगार अभी बढ़ा है? हाँ अभी बढ़ा जी, पहले नहीं जानते। तो पहले कैसे आते जाते थे जब आप यहाँ? जंगल से आते थे पहले। अच्छा, पहले जंगल का रास्ता? हाँ जंगल का रास्ता था, हाथी ने भी मारा हमारे यहाँ खाई में। तो ये जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र है उसके लोगों से हमारी बात हुई, उनके दावे हैं कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है, जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा क्षेत्र पड़ता है पौड़ी का है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में डटे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो अनिल बलूनी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और इस बार लोकसभा में उन्होंने चुनावी ताल ठोकी है। अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो गणेश गोदियाल एक बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, और गणेश गोदियाल क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के तो वो भी चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही कुछ और प्रत्याशी हैं, अन्य दलों के प्रत्याशी हैं, बसपा भी चुनावी मैदान में है, और ये जो सीट है 2014 और 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में थी। 2014 में यहाँ से BC खंडूड़ी जीत करके आए थे कांग्रेस के हरक सिंह रावत को हरा करके, और 2019 की अगर बात करते हैं तो यहाँ से टिकट तीरथ सिंह रावत को दिया गया था। तीरथ सिंह रावत वही हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके टिकट को काट दिया गया। हालांकि तीरथ सिंह रावत भी बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने थोड़ा सा बदलाव किया था, यहां से बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत का टिकट काट करके अनिल बलूनी को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया था। बहरहाल दावे अलग अलग हैं, नेताओं के दावे, जनता के दावे, यहाँ क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है, किस तरह से सरकारों ने काम किया है, लेकिन कुछ खास बात इन गांव के आसपास की है कि वो G20 से बहुत खुश हैं, कि G20 की बैठक हुई उसके बाद यहाँ सड़कें बनी, तरक्की हुई, उसके बाद यहाँ रोजगार बढ़ा, सड़क नहीं थी तो सड़क के बनने से आवागमन में सुविधा हो गई, कुछ रोजगार यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर इतने बड़े रोजगार नहीं है और लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये था पौड़ी लोकसभा के संसदीय क्षेत्र का जो राजनीतिक समीकरण है या भौगोलिक समीकरण है या जो विकास के कार्य हैं। बाकी ये सफर जारी रहेगा तो मुझे दीजिए इजाजत, मेरे कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत और सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र।